नमस्कार, लेमन न्यूज के खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सुष्मिता सिंह। बचपन मासूम होता है, लेकिन विडंबना देखिए कि बड़ी तेजी से ये मासूमियत खोता जा रहा है और असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों में घिरता जा रहा है। हमारे कानून में संगीन अपराधों में लिप्त होने पर भी नरमी बरती जाती है। नाबालिगों को जेल की काल कोठरी नहीं, सुधार गृह का रास्ता दिखाया जाता है और उसके पीछे तर्क ये कि उनमें सुधार की गुंजाइश होती है। लेकिन पिछले दिनों हुए जघन्य कांडों ने सरकार को भी नाबालिगों पर कानून सख्त करने को मजबूर कर दिया, ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब जुर्म इतना संगीन तो सजा में नरमी क्यों, तो मासूम अब नहीं है मुजरिम। जी हाँ, तो अब नाबालिग खुखारों की खैर नहीं और इसके लिए नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने तैयारी भी कर ली है। अब तक जो कानून था उसके मुताबिक उन्हें बाल सुधार गृह भेजा जाता था अगर नाबालिग पाए जाते थे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त। लेकिन अब जिस तरीके से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि वो मामले की गंभीरता को समझेगी, अपराध की संगीनता को समझेगी और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा, यानी नाबालिगों पर भी अब वयस्कों जैसी सख्ती बरती जाने वाली है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक में बुधवार को नाबालिग अपराधियों पर अहम फैसले लिए गए। सरकार ने नाबालिग आरोपी को भी कड़ी सजा दिलाए जाने का रास्ता आसान करने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय कैबिनेट ने किशोर न्याय बोर्ड को शक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत बोर्ड ये फैसला कर सकेगा कि बलात्कार जैसे किसी जघन्य अपराध में शामिल 16 साल से ज्यादा उम्र के किसी किशोर को पर्यवेक्षण गृह भेजा जाए या किसी नियमित अदालत में उस पर मुकदमा चलाया जाए। ये प्रस्ताव कैबिनेट बैठक की कार्यसूची में रखा गया था। सभी केंद्रीय मंत्रालय किशोर न्याय अधिनियम 2000 में संशोधन करने की मंजूरी पहले ही दे चुके हैं। कानून में परिवर्तन का प्रस्ताव 16 दिसंबर 2012 के दिल्ली गैंगरेप में दोषी ठहराए गए एक अवयस्क को 3 साल के लिए सुधार गृह में रखने की मामूली सजा के आधार पर आया है। सूत्रों की माने तो नए कानून के मुताबिक 16 से 18 साल के नाबालिगों की सुनवाई सामान्य कोर्ट में किए जाने पर फैसला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड लेगा। अगर बोर्ड को नाबालिग का अपराध जघन्य लगा तो वो मामले को सामान्य कोर्ट भेज सकेगा। दोषी पाए जाने पर उस पर आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जघन्य अपराध में शामिल नाबालिग को अब भी उम्र कैद या फांसी नहीं दी जा सकेगी। ये संशोधित बिल मंजूरी के लिए संसद के समक्ष रखा जाएगा। गौरतलब है कि दिसंबर 2012 में हुए दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद जुवेनाइल एक्ट में बदलाव की मांग जोर शोर से उठी थी, क्योंकि मामले का एक आरोपी नाबालिग था। अब सवाल ये है कि नाबालिगों पर सरकार की ये सख्ती कारगर साबित होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। जी हाँ, तो नई सरकार अब नाबालिग खुखारों पर सख्ती करने के मूड में दिखाई दे रही है और इसके लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को अधिकार संपन्न किया जाएगा, ये शक्तियाँ दी जाएंगी ताकि वो ही डिसाइड करे कि मामला कितना संगीन था और नाबालिगों के साथ क्या कुछ रवैया अख्तियार करना होगा। लेकिन इसके तमाम पहलू हैं, चूँकि इसका विरोध भी लंबे समय से नज़र आता रहा है। नाबालिगों की जो उम्र सीमा है उसके निर्धारण पर भी विरोध दिख रहा है। तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा दें आपको। एडवोकेट मोहम्मद मेमन हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। गीता कपूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गीता जी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी अवनींद्र आशुतोष भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले सवाल मेरा मोहम्मद मेमन से है, चूंकि आप एडवोकेट हैं, हम अगर कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश करें तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के अंतर्गत जो भी किशोर अपराध कहे जाएं, बाल अपराध तो हम नहीं कहेंगे, अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो किशोर अपराध है, किशोर अपराधों को किस तरीके से उस कैटेगरी में लाया गया है और उसके पीछे परिभाषा क्या रही है कि अगर उन्हें दंडित नहीं किया जाना है, उन्हें बाल सुधार गृह भेजना है, मैक्सिमम उनका इम्प्रिजनमेंट 3 साल का ही होता है, तो उसके पीछे क्या सोच रही है, अब जो विचार किया जा रहा है उसमें किस तरीके से संशोधन करने होंगे इस कानून को लेकर। जी,
हमारा जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसको पूरी तरीके से अगर बोलेंगे तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट विच इज केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, जो 2000 में इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसके तहत हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि जब एक बच्चा 7 साल की उम्र से नीचे है, ही इज़ नॉट लाइबल फॉर एनी पनिशमेंट, बिकॉज वो अपनी उम्र से काफ़ी छोटा होता है, जिसमें उसको समझ नहीं होती है। जब वो 7 साल से लेके 12 साल की उम्र का होता है, तब हम लोग बताते हैं कि इनकेपेबल स्टेट ऑफ माइंड है, जिसमें उसको सज़ा दंडित नहीं की जा सकती। जहाँ अभी नए रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं, जैसा IPC के अंडर जितने भी हम लोग के क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम आते हैं, जिसके तहत हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि किसको क्या सज़ा देनी है, बट अब ये अच्छा कर दिया गया है कि एक सेग्रीगेशन कर दिया है, जिसमें हम लोग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का इम्प्लीमेंटेशन आ गया, जिसमें स्पेसिफिक सेक्शंस आ गए हैं क्या सज़ा किसको कैसी देनी है, वो आ गए हैं। एक्चुअली देखा जाए तो बात ऐसी है कि बच्चे जो कम एज के होते हैं, उनको इतना नॉलेज होता नहीं है कि हम लोग को क्या करना है क्या नहीं। इधर दे आर इन टू द एक्ट ऑफ प्रोवोक्शन, या तो मजबूरी में करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये ध्यान देना है कि ये जो रूट कॉज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। अकॉर्डिंग टू मी ये रूट कॉज है लैक ऑफ एजुकेशन, हम लोग को एजुकेशन पे ध्यान देना है। दूसरे जो है, अगर आप देखे जाएंगे 1994 से लेके 2004 से, अगर क्रिमिनल रेट अगर देखे जो जुवेनाइल चिल्ड्रन लोग का है, जितने भी केसेस रजिस्टर्ड हुए 17,000 थे और अभी हो गए 30,000, विच इज़ क्रिमिनल रेट जो है जुवेनाइल में बढ़ गया है। जितने केसेज रजिस्टर्ड हुए, द नंबर्स हैव इंक्रीज्ड। सो जिस तरीके से अगर देखा जाए तो ये क्राइम बढ़ रहा है, इन शॉर्ट अगर ये बोले तो हम ये बोल सकते हैं क्राइम बढ़ रहा है। तो जिसके तहत हम लोग को जो सेक्शन लागू करने हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट भी करने हैं, और इस तरीके से करना है कि जो उनको जेल में रख के जो बर्ताव हो रहा है, जो तरीके उनके ऊपर लागू किए जा रहे हैं, वो ऐसे तरीके से हों कि वो कुछ सीखे, समझे और उनको समझ आए। ठीक है, तो अब इसमें संशोधन क्या करने होंगे अगर ये नया कानून लाना है, वो हम आपसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं गीता जी के पास। गीता जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए भी आप काम करती हैं, आप किस तरीके से लेती हैं सरकार के इस फैसले को? हमने चूंकि पिछले दिनों काफ़ी जघन्य कांड देखे हैं जिसमें नाबालिगों की संलिप्तता पाई गई, चाहे वो दिल्ली का केस हो, निर्भया कांड हो, चाहे वो मुंबई का शक्ति मिल हो जिसमें 2 नाबालिग आरोपी थे, लेकिन सबको मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कहा जाए तो ना के बराबर ही होता है, क्योंकि बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। तो तब से ये बहस लगातार शुरू हो गई है, क्या माना जाए इस सरकार की सोच के पीछे और ये कदम अब कितना कारगर साबित होने वाला है? ये जो सरकार ने किया है वो अच्छा ही किया है, मैं समझूंगी जी। क्योंकि अगर ये नहीं करते थे तो जो गुने हो रहे हैं वो ज़्यादा बढ़ते जाते थे। अगर जो बच्चा है वो सोचेगा कि ये मैं काम करूँ गलत, बलात्कार हो, चोरी हो, जो भी, उसमें वो डरेगा कि ये मैं करूँ तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी मेरे को और मुझे ये सज़ा मिलेगी। जो सरकार ने किया उसके इसमें मैं खुश हूँ कि ये निर्णय सरकार ने लिया है तो अच्छे के लिए लिया है, जो बच्चे सुधर जाएंगे। और जो दिल्ली का हो गया था उसमें भी अगर ये जल्द से जल्द अगर ये जो अभी एक्ट निकला हुआ आता था तो शायद और भी बलात्कार होने हुए हैं, वो बच जाते थे लोग। और ये अच्छा किया सरकार ने जो ये बच्चों को कम उम्र में जो सज़ा दी, ये की सुनवाई है, वो बहुत अच्छा है। चलिए, आप इसे अच्छा कदम मानती हैं। अवनींद आशुतोष भी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, किस तरीके से लिया जाना चाहिए सरकार ये कदम, क्या कारगर साबित हो सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं सभी अधिकतर जो आवाज़ें उठती हैं वो इसी ओर उठती हैं कि जब आपकी आपके गुनाह में कोई नरमी आपने नहीं बरती तो फिर सज़ा में नरमी क्यों बरती जाए। लेकिन अभी तक जो सरकार ने कानून बनाया हुआ था, पक्ष उसके पीछे यही था, तर्क यही था कि कहीं ना कहीं किशोर हैं, बाल मन होता है, बहुत जल्दी उनमें बदलाव की उम्मीदें भी होती हैं, गुंजाइश होती है, और इसलिए सुधार गृह भेजा जाना चाहिए। किस तरह से लेते हैं आप इस फैसले? सुष्मिता, मैं थोड़ा अलग अंदाज से सोचता हूँ। मुझे लगता है कि अगर हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं जी, हम किसी भी उम्र के हो, कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हमें कीमत एक ही तरह की चुकानी होती है, चाहे वो बुजुर्ग खरीदे, बच्चा खरीदे, महिला खरीदे, कोई किसी भी उम्र। कानून का एक अपना नज़रिया होता है और जो गुनाह हो रहे हैं, जो अपराध हो रहे हैं, तो उसकी जो गंभीरता है, उसके प्रति जो एक सोच है सरकार की कि एक संदेश जाना चाहिए कानून की तरफ से, तो कहीं ना कहीं से उसी को देखते हुए 18 साल से 16 साल करने की ये जो पूरी कवायद है उस पर सरकार लगी हुई है। और निश्चित रूप से सरकार ने कानून का पूरा जो हर पहलू होता है उसको अपने आप को उससे अब जोड़ के देखा होगा, तो निश्चित रूप से सरकार के सामने एक बहुत ही अच्छा विकल्प था और अभी मौका आ गया है। जिस तरह से मोदी सरकार ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, तो उनकी जो इच्छा शक्ति है कि बहुत सारे बदलाव लाने हैं, उसकी शुरुआत की भी कड़ी से इसको हम जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि
हमारी सोच जब तक नहीं बदलेगी, जब तक हमारा संस्कार नहीं बदलेगा, जब तक हम उस परिवेश को निर्मित नहीं करेंगे। आज ऐसे बहुत से माध्यम हैं जिसकी वजह से पूरे समाज में कहीं ना कहीं से एक अलग माहौल पैदा हो रहा है, जिससे बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। तो एक ऐसा माहौल पैदा करना होगा सरकार को, गार्जियंस को, सामाजिक संस्थानों को, या फिर इस देश के जो भी समाजसेवी लोग हैं उनको सोचना होगा कि वाकई इस तरह की घटना ना घटे भविष्य में। लेकिन अगर हम अपने आप को देखें तो निश्चित रूप से हमें भी ये महसूस होता है कि वाकई हम किस राह पर खड़े हैं, हमें कितना तैयार होना चाहिए समाज से लड़ने के लिए। लेकिन ये जो कानून में जो 2 साल का अंतर देखा गया है कि 16 साल का भी जो किशोर होगा उसको भी बराबर का अपराधी माना जाएगा, तो ये बहुत ही स्वागत योग्य है। बिल्कुल, तो स्वागत योग्य कहा जा सकता है ऐसे, लेकिन इसके पीछे विरोध के स्वर भी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो चाइल्ड एक्टिविस्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का समर्थन करते हैं कि बच्चों में वाकई में सुधार की गुंजाइश होती है, और अगर आप उन्हें सलाखों के पीछे डालते हैं, उन्हें वैसी सजा देते हैं, तो इससे उनकी आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती है। आपका क्या मानना है मोहम्मद मेमन, इसके पीछे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो चाइल्ड लाइन ऑर्गेनाइजेशंस हैं या चाइल्ड एक्टिविस्ट हैं, वो लगातार यही तर्क देते आए हैं कि बच्चों को बदलने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है, कहीं ना कहीं अगर उनके सामाजिक परिवेश ऐसा है जिसके चलते वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, उनमें आपराधिक प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, लेकिन वो उनमें पूरी तरीके से आती नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी संगति के प्रभाव में हो सकता है ऐसा कर सकते हैं, बदलाव के संकेत कुल मिलाकर होते हैं, और इसके चलते ये तर्क दिया जाता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर आप सलाखों के पीछे डालेंगे तो वो और ज़्यादा आपराधिक हो सकते हैं, इसके पीछे आप क्या सोच समझते हैं और क्या लगता है आपको? ऐसा मैंने पहले भी बोला, सबसे 2 अहम वजह है एजुकेशन और एनवायरमेंट। इनका लैक ऑफ एजुकेशन के वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है, दूसरा इनका एनवायरमेंट, इनका जो माहौल होता है वो हो रहा है। 64% अगर आप देखेंगे क्राइम रेट्स हुआ है फ्रॉम द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि इनका जो पूरा फैमिली का इनकम है वो लेस देन 20-25,000 इन अ मंथ, पूरी फैमिली का जितने भी वर्किंग लोग हैं, तो जिसके वजह से ये सब तकलीफें आती है घर में, जिसके वजह से उन लोग चाइल्ड लेबर के लिए भी भेजते हैं, जिसके वजह से फिर बाहर जाती है बच्चियाँ घर घर में जो बर्तन मांजने के लिए, जैसा हम लोग बहुत सारे केसेस देखते हैं, वहाँ प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो मेरा मानना ऐसा है कि ये जो एज होती है बच्चों की बिलो 18, 16, 15, 14, 12 तक की, उनकी ये एजुकेशन की एज होती है, जिनमें उनको अच्छी तालीम दी जानी चाहिए, उनको एजुकेशन दी जाना चाहिए, जिसके वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको ये चीज़ें नहीं मिल रही है। जेल में डालना, अगर आप जाएंगे, मैं खुद पर्सनली आतो रोड जेल में गया था, वहाँ अगर आप देखेंगे तो चिल्ड्रन जेल जो है वो इस तरीके से है कि वहाँ एक सेल में इतने सारे बच्चों को रखा गया है, जिनके वजह से उनकी आपसी बीमारी फैल रही है, डेथ रेट काफ़ी बढ़ गए हैं उनमें, जिसका कोई नोट नहीं है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, तो जिसके वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है। तो एक सेल में सबको भरना, दंडित देना, सज़ा देना, गालियाँ देना वार्डन का कि दिस इज़ रियली नॉट डन, बिकॉज जिस वजह जिस तरीके से आप उनको ट्रीट करेंगे वो वही सीखेगा, और ये उसकी लर्निंग एज है, ये एज में अगर आप उसको सज़ा देंगे तो सज़ा को समझेगा, बट वो तरीके से नहीं समझेगा जिसको उसको समझना चाहिए। जैसा हमारे घर में एक बच्चा रोता है, हम उसको प्यार से हंसा के खुश करके उसको जो मनवाना है हम लोग को करवा लेते हैं, तो ये बच्चों से भी अपराध इसी तरीके से करवाया जा रहा है, तो हम उनको सुधारने के लिए भी यह तरीका क्यों नहीं अपना रहे? बिल्कुल है, तो किस तरीके से उनके काउंसलिंग करनी है और क्या क्या कदम उठाए जाने हैं उस पर भी हम बात करेंगे। गीता जी, कहीं ना कहीं सरकार इस विचार पर अगर पहुंची है, इस कानून में बदलाव की अगर ओर देख रही है, मंजूरी भी मिल गई है कैबिनेट की, अब इसे संसद में पास करना है, तो कहीं ना कहीं वजह यही है कि पिछले दिनों अगर NCERB के हम आंकड़े भी उठाकर देखें, मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार हाईएस्ट इंक्रीज इन द क्राइम कमिटेड बाय जुवेनाइल्स इन 2013 की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखा गया क्राइम्स में, यानी रेप के केसेस अगर 274 केसेस आए हैं और कुल मिलाकर अगर सेक्सुअल असॉल्ट के मान लिया जाए तो 4085 केसेस हैं। अगर जुवेनाइल्स की बात की जाए तो उसमें केसेस हैं 2838, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या 16 से 18 साल के बीच के जुवेनाइल्स की है। तो कहीं ना कहीं क्राइम में तो इजाफा हुआ ही है, सेक्सुअल क्राइम्स में जिस तरह से जुवेनाइल करते हैं उनकी सीवियरिटी में भी इजाफा हुआ है, यानी उनकी जो संगीन प्रवृत्ति है वो और ज़्यादा आपराधिक हो गई है और उसमें क्रूरता आ गई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया। हाँ जी, पहली तो बात मैं ये कहूँगी कि जो मोबाइल है व्हाट्सअप में जो रात को 11 के बाद इतनी गंदी फिल्म दिखाते हैं, इससे भी बच्चे बिगड़ रहे हैं, और हमेशा देखो तो बच्चे फोन में लगे रहते हैं, एक बिगड़ने का कारण है यूँ बच्चों का। और अच्छे संस्कार अगर बच्चों को मिले तो बच्चा बिगड़ेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि बेकारी होती है, घर में खाने को नहीं रहता है,
इसके लिए भी चोरी करते हैं बच्चे और बाहर जाके गलत काम भी उनके हाथ से होता है। जो घर के संस्कार अगर अच्छे हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो पैसे वाले हो, जो अगर संस्कार माँ बाप बच्चों को अच्छा दे, तो ये जो बढ़ रहा है कदम बच्चों का गलत, वो होएगा नहीं, ये मैं बोलूँगी। बिल्कुल मोहम्मद मेमन, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी भी जो ड्राफ्ट बन रहा है कानून का, जिस तरह से बदलाव किया जा रहा है, क्या उस ड्राफ्ट में नाबालिगों के लिए या फिर जो 16 से 18 साल की उम्र जिसका जिक्र किया जा रहा है, जो अब वयस्कों की उम्र में आएगी, तो क्या उसमें वयस्कों की तरह उम्र कैद या फांसी का प्रावधान तो नहीं होना है? तो किस तरीके से अब ड्राफ्टिंग होगी इस नए कानून की? जैसा हम लोग, एक इंसान को लत लग जाती है किसी गंदी पदार्थ की, जैसा चरस हो जाता है, सिगरेट्स होता है, ड्रग्स हो जाता है, इसमें हम लोग उनको रिहैब में भेजते हैं, तो उनको एक काउंसलिंग सेशन सबसे पहले करना चाहिए, समझाना चाहिए कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। एक काल कोठरी में बंद करके धक्का देके, गालियाँ देके, डंडे मार के उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्योंकि वो सबके साथ हो रहा है, जितने भी लोग हैं वह सबके साथ हो रहा है। तो पहले उनको ये समझाना चाहिए कि आप यहाँ क्यों आए हैं। इन शॉर्ट आई वांट टू से काउंसलिंग सेशन होना चाहिए कि आप यहाँ क्यों आए, किस वजह से आए, आपने क्या गलत किया है, आपके गलत करने के वजह से कितना इफेक्ट हुआ है, आप एक क्रिमिनल रिकॉर्ड में आ गए हैं, ये सब उनको समझाना चाहिए। जैसा मैंने बोला कि उनकी एज नहीं है ये चीज़ समझने की, तो उनको अगर ये लेवल का समझाया जाएगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात कि उनको जिस तरीके का दंड देंगे उनके एज के हिसाब से, वो उनको समझ में आना चाहिए कि हमको ये दंड क्यों मिल रहा है। सो फॉर देम अंडरस्टैंडिंग द क्रिटिकलिटी ऑफ द क्राइम दैट दे हैव डन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनको पहले ये समझाओ कि आपने क्या किया है, इस वजह से आपका आपके साथ क्यों हो रहा है, आपका ये बर्ताव इसलिए हो रहा है, आपको इतनी सजा इसलिए दी जा रही है, आपको कितने दिनों तक यहाँ रहना है, क्योंकि आपने ऐसा ऐसा किया है, आपकी वजह से जो बुराई आई है वो आपने जो गलत काम किया उसके वजह से आई है। सो मेकिंग देम अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव डन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक काउंसलिंग सेशन, एक रिहैब जैसा उनके लिए होना चाहिए, एक सेशन होना चाहिए, एक थोड़ा साफ सुथरा अच्छी जगह होना चाहिए जिनमें उनको अच्छा लगे कि नहीं हमको एक ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो हमेशा मार के गालियाँ दे के नहीं होता। हाँ, अगर वो नहीं तो भी सुन रहा है, समझ रहा है, देन आई थिंक दैट इज़ ओनली ऑप्शन। बट अगर फर्स्ट ऑप्शन अगर हम लोग ये अडॉप्ट करें कि उनको ये तरीके से समझाएं तो सीख जाएंगे, बिकॉज टेंडर एज है, ये एज में आप उनको जो सिखाएंगे वो सीखेंगे, अडॉप्ट करेंगे और वही सबसे आगे बढ़ेंगे लाइफ में। बिल्कुल। तो किस तरीके से अब इस कानून को अमली जमा पहनाया जाता है, क्या जो सोच है इसके पीछे वो साकार साबित होती हुई दिखती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन आशुतोष जी, जुवेनाइल्स इस तरीके के क्राइम कमिट करते हैं, चाहे वो बलात्कार हो या फिर हत्या जैसे संगीन अपराध हो, हमने दो केसेस भी देखे हैं, मुंबई का शक्तिमेल हमने गैंगरेप केस देखा है, हमने दिल्ली का निर्भया केस देखा है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी जो बरती गई वो कहीं ना कहीं नाबालिग अपराधी द्वारा ही बरती गई। तो क्या नाबालिगों की माइंडसेट भी यही है कि उन्हें पता है कि उन्हें सज़ा नहीं होनी है? शायद उस उम्र तक उनको इस बात का तो ज्ञान होता ही है, 16 से 18 की उम्र तक, कि उन्हें सज़ा ज़्यादा होनी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसलिए वो और ज़्यादा आपराधिक होने की सोच भी लेते हैं और ऐसा कदम उठाने के लिए उनको डर नहीं लगता बिल्कुल? सुष्मिता, हमारी सोच आज बदल गई है, हम बहुत आगे की सोचने लगे हैं। हम समय से पहले जब बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं से हम सोचते हैं कि हम किसी से कम ना रहें, और ये जो पूरा माहौल होता है जिस माहौल में ये बच्चे पढ़ते हैं बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं से इनकी सोच सिर्फ यही रहती है कि हम जो चाहें वो पालें। लेकिन अगर हम अपराध की बात करें या फिर बलात्कार की बात करें तो दोनों में थोड़ी सी विविधता देखी जा सकती है। लेकिन अगर हम बलात्कार की सज़ा की बात करें तो कहीं ना कहीं से एक संदेश जाता है समाज को कि अगर किसी ने भी बलात्कार किया हो, किसी भी उम्र का है, तो उसको उस हिसाब से ही यहाँ पर सज़ा दी जाती है। लेकिन अभी जो पूरे देश में माहौल बना है बलात्कार के खिलाफ, लोगों ने प्रदर्शन किया, एक संदेश देने की कोशिश की कि किसी को भी बख्शा नहीं जाए, और इसी भावना को समझने के बाद मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब इसको बहुत ही गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और उस पर काम चल रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम एक नई तस्वीर जरूर देखने वाले हैं। बिल्कुल। तो नई तस्वीर का इंतजार सभी कर रहे हैं और किस तरीके से तस्वीर उभर कर सामने आती है। उस वक्त हमारे साथ चाइल्डलाइन एनजीओ से काजल मेनन जुड़ गई हैं, हम उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है काजल जी आपका लेमन न्यूज़ में। आज मुद्दा हम जो उठा रहे हैं वो नरेंद्र मोदी सरकार की उस पहल का है जिसमें 16 से 18 तक के जो नाबालिग बच्चे हैं उन्हें सुधार गृह भेजने की पहल की जाती है, ये सोचते हुए कि उनमें सुधार होगा। लेकिन अब जो नई सरकार कदम उठा रही है उसमें जघन्य अपराधों में अगर उन्हें पाया जाता है तो उन्हें वयस्को जैसी सजा होती है। किस तरीके से आप इस फैसले को लेती हैं, क्या कहेंगे? संपर्क कट गया है काजल मेनन जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, हम फिर से कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। बहरहाल आज हम चर्चा इसी बात पर कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ये पहल कितनी कारगर साबित होने वाली है, हालांकि इसे लेकर विरोध के स्वर भी जरूर उठ रहे हैं। तमाम बातें जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं,
क्या जेल में डालने से आपराधिक प्रवृत्ति और बढ़ती है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो चाइल्ड एक्टिविस्ट हैं वो लगातार यही सवाल खड़े करते हैं। गीता जी, मेरा सवाल आपसे ये कि सुधार गृह भेजने की जो कवायद अब तक की जाती रही है ये सोचकर कि वो सुधरते हैं, लेकिन क्या वाकई में ये जानने की कोशिश की गई है एनजीओस के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा या प्रशासन के द्वारा कि वहाँ पर वाकई में क्या उन्हें सुधारा जा रहा है, किस तरीके से उनकी काउंसलिंग हो रही है, कहीं वो और ज़्यादा आपराधिक तो नहीं हुए जा रहे हैं? कोई कोई जो सुधार ग्रह है वो अच्छे हैं, कोई कोई सुधार ग्रह में उनका अच्छा उनके साथ बिहेवियर किया नहीं जाता अच्छा और बच्चे बिगड़ते जाते हैं, तो उनके जो सुधार ग्रह है वहाँ पर जाके जो सर्वे करे, वहाँ देखे कि बच्चों की कंडीशन क्या है, उनकी पर्सनल जाके बात करे उनके साथ, तो अपने को मालूम पड़ेगा कि जहाँ जहाँ सुधार ग्रह है वहाँ जाके देखे कि बच्चों की कंडीशन क्या है, सही में बच्चों को सुधारा जा रहा है या बिगाड़ा जा रहा है, वे अपने को देखना चाहिए। उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन सी सुधार ग्रह अच्छी है और कौन सी नहीं है। जब तक हम सर्विस संस्था वाले नहीं करते तब तक हमको मालूम नहीं, लेकिन बहुत सी संस्था है जो बच्चों को सुधारती है, वो मैंने देखा है। ठीक है, अगर ये कानून लागू हो जाता है 16 से 18 साल के भी अगर वयस्कों की उम्र में आ जाते हैं उन्हें भी वैसे ही सज़ा मिलती, कम से कम सख्त सज़ा की तो उम्मीद कर सकते हैं, ना फांसी या उम्र कैद, तो हालांकि अभी किस तरीके से ड्राफ्ट होता है बिल वो देखने वाली बात होगी, कानून किस तरीके से सामने आता है, लेकिन क्या ये कदम कारगर साबित होगा? तमाम और कदम उठाने होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो मानी जाती है वो जिस परिस्थिति में ये बच्चे होते हैं उनका पारिवारिक परिस्थिति कैसी है, उनका समाज कैसा है, उनका वातावरण कैसा है, तो उनमें सोच वही इनकलकेट होती है जिस परिस्थिति में जिस वातावरण में वो पलते बढ़ते हैं, उसमें बदलाव की ज़रूरत है, उस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, और वो पहल कौन करेगा? तो बच्चे के संस्कार घर से ही शुरुआत होती है, बच्चों के संस्कार की, लेकिन अगर बच्चों को सुधार गृह में डाला जाता है तो मैं सोचती हूँ बच्चे बिगड़ते, जो माँ बाप संस्कार देती है वो अलग है, और हम लोग सुधार गृह में डाल के बच्चों को सुधारने की कोशिश करते हैं, वो बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने मुझे दूर कर दिया, उनका प्यार कम हो गया मेरे ऊपर से, तो और थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे। तो मैं ये चाहूँगी कि पेरेंट्स के लिए, चाहे मध्यम वर्ग हो कोई भी पेरेंट्स हो, अपने बच्चों का ख्याल खुद रखें, अच्छे संस्कार बच्चों को दें, तो शायद ये जो गुनाह हो रहे हैं, ये जो गलत काम बच्चों के हाथ से हो रहे हैं वो होएगा नहीं, यही मैं बोलूँ। सुषमिता जी, मुझे लगता है कि अब एक समीक्षा करने का वक्त है, अभी एक रिसर्च होना चाहिए कि वाकई किस परिस्थिति में लोग रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, और उसके आधार पर एक निष्कर्ष निकालना चाहिए। और अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है कि हर किसी को ऐसी सुरक्षा दें, ऐसी व्यवस्था दें जिसमें वो अपने आप को ये महसूस कर सके कि वो सुरक्षित है और सक्षम है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश अब तक ऐसा माहौल नहीं बन पाया है, और घर कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि उसके बच्चे जो हैं वो गलत रास्ते पर जाएं, और अपने तरीके से वो ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि हम संस्कार ऐसा दें, लेकिन उनका जो बाकी जो संगत की बात होती है, अलग अलग जो दोस्तों के साथ बैठते हैं, माहौल में जाते हैं, तो उसका भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं से उस पूरे माहौल को अब समझने की ज़रूरत है, और कोई ऐसी संस्था बने जो निगरानी करे, लेकिन ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन चुनौती का सामना करना भी सरकार का ही काम है। बिल्कुल, जाहिर है, और जैसा कि माजिद मेमन साहब ने भी बताया था कि 64% बैकवर्ड सोसाइटी से आते हैं, अगर क्राइम्स की बात की जाए तो जो गरीब तबके का है, औसत तबके का है परिवार, आपराधिक प्रवृत्ति चूंकि उनमें कहीं ना कहीं शायद पढ़ाई लिखाई की कमी है, उस तरीके का माहौल नहीं है, परिवेश नहीं है, और जिसके चलते वो जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, आपराधिक वारदातों में पड़ जाते हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार को ही नहीं, समाज के तौर पर हमें भी आगे पहल करनी होगी, तो कहीं ना कहीं ये एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। माजिद मेमन साहब, मोहम्मद मेमन, माफ कीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है। जैसा मैंने बताया, एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंसान के, बच्चा नहीं बोलूँगा, एक किड नहीं बोलूँगा, चिल्ड्रन नहीं बोलूँगा, एक इंसान के बच्चे से बड़े बनने के प्रोसीजर में, तो इसमें हम लोग को हर चीज़ का ध्यान देना चाहिए। सरकार अगर ऐसे प्रोविजन लाए जिसमें अगर एजुकेशन कंपलसरी कर दिया जाए, लाइक हाउ वी हैव इन ऑस्ट्रेलिया, वन फॉर द मदर, वन फॉर द फादर, वन फॉर द नेशन, अगर आपके दो से ज़्यादा बच्चे हैं तो सरकार पूरा आपका खर्चा देगी, जो बहुत अच्छी बात है। अगर सरकार अगर ये सब प्रोविजन अगर यहाँ भी लाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ की पॉपुलेशन ऐसी है कि आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हो पाएगा, मैं अग्री करता हूँ गवर्नमेंट के साथ, बट बात यह है कि अगर हर घर में अगर प्रोविजन लाया जाए, वो सब बेसिक सुविधा अगर दी जाए जिसकी वजह से ये सब चीज़ें ना हो, अगर अच्छे कामों में उनको इन्वॉल्व कर दिया जाए, घर में हर एक प्रोविजन जैसा एक रिजर्वेशन आ जाए कि उनको काम मिलता जाए, काम डिवाइड हो जाए, बहुत अच्छी बात होगी।
माहौल होता है, माहौल में एक इंसान एक को देख के सीखता है। कल मैं 10 लोगों के साथ बैठता हूँ जो फिजूल है, उसमें से अगर एक भी काम पे लग जाएगा तो एक को देख के दूसरा बोलेगा नहीं यार ये काम पे लगा, मैं भी कुछ तो ढूंढता हूँ। सो एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अगर वो अच्छे लोगों के साथ उठेगा बैठेगा तो उसको अच्छे लोगों की कंपनी मिलेगी, और अच्छे काम करेगा, बुरे काम नहीं करेगा। बिल्कुल ज़ाहिर है। और आपने ऑस्ट्रेलिया के कानून का जिक्र किया है, तो अगर जुवेनाइल्स की उम्र की भी बात की जाए तो कहीं ना कहीं हर देश में अलग अलग कानून है इसे लेकर, और ज़्यादातर देशों में यही देखा जाता है कि जो अपराध किस तरीके का है, उसका स्तर किस तरीके का है, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं चाइल्ड कोर्ट से फिर वो नॉर्मल कोर्ट में उसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि भारत में ये पहल होने में देर हो गई? जी काफ़ी देर हो गई। जैसा अगर हम देखिए, अगर एक बच्चे को जैसा लगाया गया है 3 साल की सज़ा है, उसको जब उसने एक्ट किया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइम व्हेन ही इज कन्विक्टेड, उसकी अगर उम्र है 17 साल, उसको 3 साल की सज़ा हुई, जब सज़ा काटते काटते वो हो गया अबाउ 18, सो ही कम्स अप टू अ मेजर पर्सन, वो मेजर बन जाता है, फिर भी उसको सेम सज़ा लागू होती है, बिकॉज हमारा लॉ ऐसा बोलता है कि ही इज़ कंसर्न्ड, बिकॉज जो एक्ट हुआ, जो क्रिमिनल क्राइम जब हुआ, उसकी डेट से वो उन लोग कंसिडर करते हैं कि जो डेट पे कमेंस हुआ है क्राइम, व्हेन ही इज कन्विक्टेड ऑफ द क्राइम व्हाट ही इज डन, वो हिसाब से फिर हम लोग कंसिडर करते हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट बाकी कंट्रीज में ऐसा है कि दे सेट एन एग्जांपल फॉर द होल कंट्री, एक को ऐसा उन लोग करते हैं कि एक के वजह से सबको सीख मिल जाती है कि हमको ये काम नहीं करना है। सो वन इज एन एग्जाम्पल फॉर 1000। तो यहाँ ऐसा करना चाहिए, जैसा हम काफ़ी क्रिमिनल केसेस देखते हैं जो केसेस एक्सटेंड होते जाते जिसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, जिसमें अगर कमिटी अगर फुल फ्लेज बैठेगी और एक क्राइम के ऊपर अगर डिसीजन निकालेगी तो दे कैन सेट एन एग्जांपल फॉर थाउजेंड्स। हियर वी हैव मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ क्राइम्स गोइंग ऑन। तो जाहिर है ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसे लेकर सरकार को और ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। फिलहाल हमारे साथ 3 मेहमान इस पेशकश में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सरकार ने अब जो ये कदम उठाया है, नाबालिग जो खुखार हैं उनकी खैर नहीं है। जाहिर तौर पर इसे लेकर मांग पिछले कई दिनों से उठ रही थी, लेकिन अब ये पहल की गई। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या सरकार सिर्फ इस कानून को लाकर नाबालिगों को अपराध की दुनिया से मोड़ पाएगी? क्या वाकई वो अपराध में संलिप्तता उनकी जो पाई जा रही है उससे वो मुड़ पाएंगे, उससे कहीं छूट पाएंगे? और यही सवाल है कि और क्या कदम उठाए जाने ज़रूरी हैं और उन पर भी सख्ती से पालन करना होगा। और जाहिर तौर पर सरकार के साथ साथ हम सभी की एक सामूहिक जिम्मेदारी भी बनती है कि किस तरीके से जो मासूमियत है बचपन की उसे वापस लौटाना है और एक स्वस्थ समाज हमें बनाना है। इस खास पेशकश में पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।